दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो विजयवाड़ा के अंदर में जूनियर लेक्चर का पोस्ट सब निकला है, तो जो जनरल रिक्रूटमेंट में है ये सब, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो वैकेंसी है टोटल ये है 37 पोस्ट जो है कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी है, मतलब लास्ट ईयर का जो वैकेंसी था, और 200 जो वैकेंसी है ड्रेस वैकेंसी है। और इसका जो पे स्केल है दोस्तों 37,100 से 91,450 इसका पे स्केल है। और इसका जो एज लिमिट है, मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। तो एज लिमिट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 18 to 42 ईयर्स इसका एज लिमिट है। फ्रेश वैकेंसी है 200, कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी है 37। तो दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का 18/1/2019 से शुरू हो रहा है, क्लोजिंग डेट है 8/2/2019, मैंने 8/2/2019 तक आपको इसको फॉर्म फिलअप को करना है, 18/1 से शुरू हो रहा है। तो अभी आते हैं दोस्तों इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे हैं, टोटल क्या क्या पोजीशन सब्जेक्ट में कितना कितना पोजीशन है। तो जब सब्जेक्ट के बाद देखते हैं जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी है, लास्ट का जो खाली रह गया था, इसमें इंग्लिश के में एक पोस्ट है, तेलुगु में 2, हिंदी में 1, उर्दू में 1, आपका ओरिया सब्जेक्ट में 2, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 5, बोटनी में 3। ये कैरी फॉरवर्ड का मैं बोल रहा हूँ, जो टोटल 37 पोस्ट है। जोलॉजी में 4, कॉमर्स में 2, इकोनॉमिक्स में 9, सिविक में 2 और हिस्ट्री में 2। तो इधर पोजीशन जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है 37, ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था जो लास्ट ईयर में वैकेंसी था। इसके अलावा दोस्तों इसका जो फ्रेश वैकेंसी है उसमें टोटल जो है फ्रेश वैकेंसी में 200 पोस्ट है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों किसमें कितना पोजीशन है। यहाँ पे जो फ्रेश वैकेंसी है इंग्लिश में 18, तेलुगु में 16, हिंदी में 16, उर्दू में 3 और संस्कृत में 3, और उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक, हिस्ट्री सब में जो है 16 पोजीशन है, सब में 16 पोजीशन है। और टोटल जो पोजीशन है दोस्तों 200 जो फ्रेश वैकेंसी है। तो अगर टोटल देखेंगे तो एवरी सब्जेक्ट में जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट में ये निकला है जॉब इसका। दोस्तों इसके बाद देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों सब में सेम है, आपका कॉन्सर्न सब्जेक्ट में आपका जो है मिनिमम जो है सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो जो पीजी लेवल में आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए। जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे बोला है मिनिमम सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, सेकंड क्लास मिनिमम होना चाहिए, जिसका मिनिमम मार्क जो सेकंड क्लास बोलते हैं मिनिमम मार्क है 50% मार्क, तो 50% मार्क आपका मिनिमम होना चाहिए। जैसे मैं ये इंग्लिश का देख रहा हूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका पीजी के होंगे, इंग्लिश में पीजी 50% मार्क होना चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट में जैसे तेलुगु हुआ, हिंदी हुआ, उड़िया हुआ, तो जो भी आप सब्जेक्ट हमें पीजी के हैं उस हिसाब से सब सब्जेक्ट में आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट है दोस्तों लोकल कैंडिडेट के लिए उनका जो मैंने आंध्र प्रदेश मैंने स्टेट का जो नियम है उस हिसाब से लोकल कैंडिडेट को उस सब्जेक्ट के हिसाब से उनका जो स्टेट लेवल में रिजर्वेशन रहता है वो वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी आप जहाँ से भी हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अदर लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी है, हिंदी है, उड़िया है, वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे है। अब देखते हैं इसका दोस्तों एज के बारे में। एज जो है मैं आपको बताया जो मिनिमम है 18 to 42 ईयर्स है। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलेक्शन है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का रिलेक्शन है, एक्स सर्विस मैन इन लोगों के 3 साल का रिलेक्शन है, और आपका एपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उनका 5 साल का रिलेक्शन है, एज का रिलेक्शन है, तो आप इसको ये कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपको पहले वेबसाइट में जाके जो इसका वेबसाइट है वहाँ पे पहले एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1 टाइम, और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक तो OTPR ID क्रिएट जनरेशन होगा, वो OTPR ID आपको पहले जनरेट करना पड़ेगा। OTPR ID जनरेट करने के बाद आपका आप वेबसाइट में जाके इसको ऑनलाइन में ही अप्लाई करेंगे। और इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस आपको जो लगेगा वो उसको ऑनलाइन में आपको पेमेंट करना है, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मैं बता दिया। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे
फीस एप्लीकेशन का भी एक तो ये आएगा, लिंक आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस में दोस्तों 250 रुपया का जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है और एग्जामिनेशन फ़ीस है 120 रुपया। तो 250 प्लस 120 आपको देना पड़ेगा जो जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एस सी एस टी कैंडिडेट बी सी पी एच एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ फीस नहीं है, ठीक है। इन लोगों के लिए फीस का रिलेक्शन है, तो जनरल और ये कैंडिडेट के लिए आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मोड ऑफ फीस पेमेंट बोला है, ऑनलाइन में आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो पहले प्रीलिमिनरी एक तो एग्जाम होगा जो कि ऑफलाइन में होगा, और उसके बाद अगर कैंडिडेट कम रहेंगे तो ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक तो एग्ज़ाम होगा। जो सिलेबस है वो एडवर्टाइजमेंट में दे दिया है, आपको वो एडवर्टाइजमेंट में जाके एक बार देखना पड़ेगा क्या क्या सिलेबस है। आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सिलेबस है, आप जो सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये जो एडवर्टाइजमेंट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों इसका अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन में इनेक्चर सब दे दिया है, जो प्रोविजनल वैकेंसी है मैंने आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर अलग अलग कॉलेजेस हैं, कौन सा कॉलेजेस में जैसे जोन वन जोन टू जोन थ्री जोन फोर करके डिवाइड करके दे दिया है, तो आप इसको एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। अगर जोन वाइज अगर आप लोकल प्रिफरेंस देना चाहते हैं, लोकल एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अगर आपका पसंद है, तो आप ये जोन वन जोन टू जोन थ्री जोन फोर में एडवर्टाइजमेंट में दे दिया है, जोन वन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जोन टू में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट 150 मार्क, और जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन 150 मिनट 300 मार्क का होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 50 मार्क का इंटरव्यू है, ठीक है। और बाकी नेम ऑफ सब्जेक्ट तो बोल दिया, सब्जेक्ट कोड जो है सिलेबस विलेबस सब दे दिया है, आप एक बार जाके इसको देख लीजिए। और इसका डेट भी है फरवरी तक, आप मैं इसका जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, मैं हर रोज़ एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है आपको हर रोज़ एक नया अपडेट, मिनिमम एक अपडेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।